हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम को लेकर। मैथ का ये आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मैथ के शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये है आपका मैथ का मैजिक। चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को देखें लास्ट तक। और अभी तक अगर टेलीग्राम को नहीं किया है ज्वाइन तो कर ले ज्वाइन पीटीएफ के लिए, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको डाउनलोड करना है अनकेडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका पहला है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत यहाँ पर आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है। यानी कि हमने यहाँ पर माना एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है आपका 1 रुपया है। जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की अगर हानि होती है, यानी कि हानि यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1 रुपया है, तो 72 वस्तुएं यहाँ पर बेची जा रही हैं। ठीक है, 72 वस्तुओं के बेचने पर, यानी कि 72 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य क्या होगा आपका, हो जाएगा 72 रुपया। तो हानि यहाँ पर आपका 9 रुपया, विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका 72 रुपया। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य और जो हानि है अगर उसको हम ऐड कर लेंगे तो आपका क्रय मूल्य यहाँ पर निकल आएगा। तो हमने 72 में 9 को ऐड किया, यहाँ पर आपका आ गया 81, यानी कि 81 रुपया। तो क्रय मूल्य 81 रुपया, हानि 9 रुपया, बोल क्या रहा है, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है कि हानि हानि अपान क्रय मूल्य और इंटू 100। तो सिंपल से क्या करेंगे, हानि परसेंट बराबर आपका जो हानि कितना है 9 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 81, यानी कि 9/81 इंटू 100। इसको कट कर लेंगे, 1/9 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 से 1/9%। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर आपका हानि पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को यहां पर हम ऐसे ही करेंगे। सिंपल सा आपका ये ट्रिक है, 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी यहां पर आकर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। चलिए बात करेंगे इसी तरह के एक और क्वेश्चन के बारे में। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पर लाभ की बात है कि यहाँ पर आपको लाभ होता है, और यहाँ पर आपको लाभ परसेंट बताना है। यानी कि एक वस्तु का हमने मान लिया विक्रय मूल्य 1 रुपया हो गया, तो यहाँ पर क्या है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी कि लाभ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 रुपया। विक्रय मूल्य कितना यहाँ पर आपको हो जाएगा, 72 रुपया। जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 का 72 रुपया यहाँ पर आपको हो जाएगा। आगे क्या है, अब अगर यहाँ पर हमको चाहिए क्रय मूल्य, हमको निकालना है लाभ परसेंट। लाभ और हानि हमेशा जो है उसका जो काउंटिंग होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, हमको निकालना यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि लाभ 9 रुपया हो रहा है, विक्रय मूल्य 72 है, तो यानी क्रय मूल्य कितना रहा भाई, बनी 72 में 9 को हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 63। यानी कि यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य था कितना था, 63 था। लाभ परसेंट क्या होता है कि लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। यानी कि लाभ कितना यहाँ पर आपका, लाभ आया 9, क्रय मूल्य 63 इंटू 100। इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14/2/7%। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा पूरे कोर्स को देखने के लिए, यानी कि डिटेल में इस पूरे कोर्स को देखने के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फ्री में मैथ के कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए है। आपके यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, बैंक, रेलवे, यूपी पीएससी, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर ले, मैथ के कोर्स को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट यहाँ पर आपका आता है 116, सही 2/3% बन जाता है। तो संख्या याद करें, और हमने यहाँ पर आपको बताया है, जो मैंने पूरा डिटेल में कोर्स दिया है वहाँ पर हमने बताया है कि 116 से 2/3% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 7/6। तो जब हम फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 7/6, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट इसका 116 सही 2/3%
जो है बन जाता है। संख्या यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका है परसेंटेज रिजल्ट, और ये आपका है जो 6 है, ये आपका है वास्तविक संख्या। यानी कि यहाँ पर 6 से क्या होता है आपका, ये 7 हो जाता है। यानी कि जो एक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ पर आपका दिया गया है 16। यानी कि सिंपल सा आपका जो एक यूनिट यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है 6 से जो 7 हो रहा है, उसकी जो वैल्यू क्या है 16। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 16 है तो यहाँ पर कितना आपका है 6 है, वास्तविक संख्या क्या है आपकी यहाँ पर 6 है। यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 यहाँ पर आपका आ जाएगा। यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा 96, यानी कि 96। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या क्या निकल कर आएगी 96, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बात करेंगे, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने परसेंट यहाँ पर बदलाव होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमने यहाँ पर लिखा 3/5, यहाँ पर लिखा 7/4। अब यहाँ पर आपका जो नीचे 4 और 5 है, ये आसानी से जिससे कटेगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है आपका, 20 होता है। तो इसी 20 से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से इसका मल्टीप्लाई, 20 से इसमें मल्टीप्लाई। तो 5 से कट करेंगे 20 को, 4 आएगा, यानी कि 12 यहाँ पर आपका निकल आया। 4 से कट करेंगे 20 को, यानी कि यहाँ पर आपका 35 आ गया। ठीक है, तो जो यहाँ पर संख्या आपके रियल में थी क्या थी, 12 थी, और जो गलती होके जो संख्या है वो कितना था यहाँ पर आपका, 35 था। तो कितना यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यानी कि यहाँ पर आपको जो है 12 से क्या हुआ 35, तो कितना यहाँ पर आपका बदलाव हुआ, 23 का प्लस 23 का यहाँ पर बदलाव हुआ। कितने पर हुआ, प्लस 12 पर, यानी कि आपका 12 पे हुआ 23 का इंक्रीज। यानी कि यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ 23 का, कितने पर हुआ, 12 पर हुआ। तो 23/12 × 100। अब इसको यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो 191/2/3% यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने परसेंट का बदलाव होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3/5, 7/4, तो 4 और 5 से जो संख्या आसानी से कट जाएगी, ठीक है, उसको यहाँ पर लेंगे। तो हम 5 और 4 का सीधा निकालेंगे एलसीएम, क्या आ गया 20। तो 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 20 से इसमें मल्टीप्लाई, इसको कट करेंगे 5 से 12, इसको कट करेंगे 35। यानी कि जो आपकी एक्चुअल संख्या 3/5 था, वो यहाँ पर आपके क्या था, यानी कि 12 थी सही में, जब 7/4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जो गलत संख्या आती क्या आती है यहाँ पर, 35 आती है। तो 12 और 35 कितना अंतर है, 23 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे परसेंटेज, यानी कि जो 12 था, 12 से कितना हुआ आपका, 35 हुआ, यानी कि 23 का यहाँ पर इंक्रीज हुआ, किस पर, 12 पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23/12 × 100। सिंपल से इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती परसेंट यहाँ पर आपको बताना है। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी कि 5/3 लिखा और 3/5 लिखा। अब हमने आपको बताया था कि जो नीचे आपका ये 3 और 5 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 की एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा आपका, 15 आएगा। तो 15 से हम इसमें मल्टीप्लाई, 15 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 15 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कट करेंगे यहाँ पर 5, 3 × 5, 15, यानी कि यहाँ पर आपका 25 आ गया। ठीक है, और इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कितना डिक्रीज हो रहा है, माने 16 यहाँ पर आपका कम हो रहा है, यानी कि 16/25 × 100, इसको कट कर लेंगे। और 25 से कटेंगे 100 को, यानी कि 25 × 100 और 16 × 64, यानी कि यहाँ पर जो गलती हो रहा है ये माइनस का 64% यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो -64% यहाँ पर इसका गलती उत्तर में आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, नीचे वाले के निकालेंगे एलसीएम, और जो भी यहाँ पर कट करने पर आएगा उसमें देखेंगे कितना अंतर है। ठीक है, और उसी हिसाब से उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 से 3 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ये ट्रिक है, और आप इस ट्रिक को यहाँ पर फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पूरा कोर्स देखना है डिटेल में, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं इसके अगले पार्ट।